तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पहेली सॉल्व करने वाले हैं। पिछली पहली वाली वीडियो में कितने व्यूज दिए थे? 100 ऊपर। और वो वीडियो इतना ज्यादा व्यूज आ रहे थे, मतलब अभी गूगल में सर्च कर दोगे तो गूगल में आ जाएगा, मतलब वही वाला वीडियो आ जाएगा। तो बिना किसी टाइम पास की हमेशा की तरह 5 के काउंटडाउन से शुरू करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये है डिटेक्टिव मेहुल, एक चैनल है। यह मेरे को ये लगता है कि वो चैनल वो पहले वाले जो वीडियो था वही वाला शायद कर रहा है, और नाम लेकिन अलग कर दिया है। तो चलो शुरू तो करते हैं, लेकिन इतने इतने तक कब पहुंचेगी? पूरा गौर से देखो, इतने तक कब पहुंचेगी? कब कब ये मिलेगा मेरे को? कब ये मिलेगा? नहीं दोगे ना? और वो जो ट्रिक मैं बता रहा था वो ट्रिक तो बड़ा स्लो है। 2 घंटे अभी तो कम से कम 1-2-3 साल लग जाएंगे उसे बनाने में। वैसे तो तुम लोग ही कर दोगे 2-3 साल में। तो चलो फिर बिना किसी टाइम पास की चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ। तो मेन बात मैं बता देता हूँ कि वो जो है मेरे यही पे ये वाले साइट में आएंगे, सब कुछ ये वाले साइट्स में आएंगे। ये क्वेश्चंस देख लेना। ओके लेट्स गेस। 6 बार बोल चुका हूँ हमेशा की तरह 5 के काउंटडाउन से। 5, 4, 3, 2, 1 धटाक। ओके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये वीडियो का क्रेडिट जाता है डिटेक्टिव मेहुल जो चैनल है। विनगर A31 बस स्टॉप पर अचानक से सभी लोगों के सामान चोरी होने लगे थे। डिटेक्टिव मेहुल बस स्टॉप पे पहुंच जाता है तो वहां के लोग बताते हैं कि कल दोपहर सब बस स्टॉप पर खड़े थे, बस का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक धीरे धीरे एक एक करके लोग बेहोश होने लगे, और जब वो वापस उठे तो देखा उनका सारा सामान चोरी हो गया है। मेहुल के पास दोबारा एक कॉल आता है जिसमें बस स्टॉप नंबर B41 पे खड़े सभी लोगों का सामान चोरी हो जाता है। वहां पर भी सेम हुआ, कुछ समय के लिए लोग बेहोश हो गए, और जब उन्हें होश आया तो उनका सामान और पैसे चोरी हो गए थे। मेहुल को सेम चोरी की न्यूज बस स्टॉप नंबर C51 D61 से भी आती है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि अगली चोरी कौन से बस स्टॉप पे होने वाली है। क्या आप मुझे बता सकते हैं? सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। इसके लिए देखना पड़ेगा, इधर दिया है, देखो इधर लिखा है माइंड योर लॉजिक चैनल, वही जो पिछली वाली वीडियो में देते वही है। तो इस वाले को जरा गौर से देखनी पड़ेगी। तो पहला नंबर है, पहला नंबर को किस वाले बस स्टॉप से आता है? बस नंबर A31। ठीक है, नेक्स्ट मैं CID एसीपी प्रतिमंडन अब सब कुछ ढूंढ लूंगा। नेक्स्ट है, अब कॉल आ गया था पता है B41। फिर अच्छा तो उसे A31 B41 C51 और D61 में आता है। तो समझ रहे हो कुछ तो गड़बड़ है दया, इधर में A31 है, इसका मतलब B41 यानी कि इधर जो नंबर से इधर 10 ऐड हुए और A भी सीरियल में जा रहा है, तो इसका मतलब तो E71 हो सकता है। मेरा फाइनल आंसर वही है A71। पहली चोरी A31 में हुई, दूसरी B41, तीसरी C51 और फिर D61। पैटर्न देखिए, अल्फाबेट्स ABCD से बढ़ रहे हैं, मतलब अगला E हो जाएगा, और नंबर्स 10-10 से बढ़ रहे हैं, तो अगला नंबर 71 हो जाएगा, तो चोरी E71 में होने वाली है। मेहुल E71 बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और वहां चोर का इंतजार करने लगता है। पर वहां सब कुछ नॉर्मल था, लोग बस स्टॉप पे खड़े थे और बस का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी बेहोश हो जाता है। मेहुल और बाकी सब लोग उसके पास दौड़ते हैं, लेकिन फिर मेहुल को भी चक्कर आने लगते हैं और वो भी बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद मेहुल और बाकी लोगों को जब होश आता है तो उनका सामान चोरी हो जाता है।
मेहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो बेहोश हो गया। मेहुल अपने घर जाता है और इसी केस के बारे में सोचता रहता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने बस स्टॉप पे दो पिक्चर्स लिए थे। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और दोनों पिक्चर्स देखता है। क्या आप इन दोनों पिक्चर्स को देख के बता सकते हैं आपको क्या ऑड लग रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इन दोनों पिक्चर्स में क्या ऑड है? व्हाट इज द ऑड इन दिस पिक्चर? इसमें तो सब सही है। इन दोनों में तो ये दोनों टोपी पहने हैं। ओके सही है, ये भी सही है। और क्या हो सकता है? तो ये टोपी पहना वाला रेड कलर का कपड़ा, ये मुझे थोड़ा इतनी गर्मी के समय में जब सबको पसीने आ रहे हैं, ये आदमी ने एक हैवी जैकेट पहना हुआ है और इसने हैट भी काफी नीचे पहनी हुई है, इससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा है। मेहुल को उस पे शक होता है और वो पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है और उस आदमी का इंतजार करने लगता है। मेहुल इंतजार कर ही रहा था कि अचानक उसके बाजू वाला आदमी चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। मेहुल तुरंत उसके पास जाता है और बाकी लोग भी उसके पास जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब चक्कर खा के वहीं गिर जाते हैं। मेहुल की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि सभी लोगों का सामान चोरी हो गया है। मेहुल फिर वापस घर जाता है, पहले की सभी चोरियों के सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाता है और उन्हें ध्यान से देखता है। क्या आपको इन फोटो में कुछ यूनिक दिख रहा है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। एक मिनट दोस्तों, क्या आपको वो चीज दिखाई दे रहा है जो मेरे को दिखाई दे रहा है? ये सबके हाथ में ये सिगरेट का डब्बा क्यों पकड़ के बैठे? सबको क्या नशा चढ़ गया है सिगरेट का? ये भी। और कुछ लोगों को तो लाल टोपी भी पसंद है। सब लोग लाल टोपी पहने ही थे। ये लाल टोपी, सब लोगों को लाल टोपी पसंद है, सब लोग लाल पहने। और हर एक मैं सोच रहा था ब्लू ब्लू पहनने शायद ये भी कुछ होगा। मेरे को ये तो शक है, शक हो रहा है। चारों सीसीटीवी फुटेजेस में एक आदमी ऐसा है जो सिगरेट पी रहा है और दूसरा आदमी वो रेड हैट वाला है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी मेहुल का एक और चीज पे ध्यान जाता है। जो आदमी सबसे पहले गिरता है हमेशा वही सिगरेट पी रहा होता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और डिटेक्टिव मेहुल भैया देख रहे हो तो ये देखो, आई हैव सब्सक्राइब्ड योर चैनल। कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो कनेक्शन है सिगरेट पीने वाले और ये रेड कोट वाले आदमी में, पता लगाना होगा। तभी मेहुल को बुलबुले साइंटिस्ट का फोन आता है कि उन्होंने एक इन्वेंशन किया है। बुलबुले साइंटिस्ट, ये कैसा नाम है बुलबुले? मेहुल साइंटिस्ट से मिलने के लिए निकल जाता है। बुलबुले साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलैया बना रखी थी। क्या आप इन तीनों रास्तों को देख के बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है, ए बी या सी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। देखो ये हमें करना पड़ेगा। ए नंबर, देखो इसमें ये वाली रास्ता है ना, ये बी नंबर में है। बी देखो कमेंट है क्या? हाँ अरे सेंड कैसे कर दिया सेंड हो गया। रास्ता बी साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसे जानवरों पे कुछ टेस्ट करना था, तो उसने एक पाइप बनाया है जिसको जलाने से एक केमिकल बाहर आता है और आसपास के सारे जानवर कुछ समय के लिए बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। थोड़ी देर बाद वापस होश में आ जाते हैं। मेहुल को लगता है कहीं वो यही पाइप तो नहीं जो बस स्टॉप पे चोर यूज कर रहा है लोगों को बेहोश करने के लिए। तो साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि वो पाइप तो लॉकर में सेफ है। दोनों लॉकर खोल के देखते हैं तो लॉकर से पाइप गायब होता है। सेक्रेटरी कहता है, सर कल करीब 11 बजे आप ही लेने आए थे पाइप, आप थोड़ा घाई घाई में थे, आए पाइप लिए और चले गए। अरे लेकिन मैं तो दो दिन से लैब आया ही नहीं हूँ, बीमार था। इंटरेस्टिंग, मतलब कोई हमशक्ल आके पाइप लेके चला गया और इनमें से किसी को पता नहीं चला, नॉट पॉसिबल। फिर साइंटिस्ट कहता है
कि पासवर्ड सिर्फ उसे और 3 लैब वर्कर्स को पता था, मतलब जरूर उनमें से ही किसी ने उसकी मदद की है। फिर मेहुल तीनों को बुलाता है और वो 11 बजे कल क्या कर रहे थे उनसे पूछताछ करता है। राज कहता है, सर मेरे बच्चे के स्कूल में 10:30 को मीटिंग था तो मैं तो 10 बजे ही चला गया था। मोहित बताता है, मैं तो खरगोश पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कल दिन भर वही किया। राहुल कहता है, सर मैं तो लैब की सफाई कर रहा था, चोरी मैंने नहीं की है। उसके बाद मेहुल उनसे पूछता है, क्या नकली बुलबुले साइंटिस्ट में कुछ अलग दिख रहा था? तो राहुल बताता है कि साइंटिस्ट कुछ ज्यादा लंबा लग रहा था और उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। फिर राज बताता है कि वो हकलाकर भी बोल रहा था। इन दोनों क्लू से मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन से लैब वर्कर ने चोर की मदद की है। क्या आप बता सकते हैं, राज, राहुल या मोहित? सोचिए और मुझे। राज होगा, क्यों बताए? क्योंकि देखो, पहले सेक्रेटरी ने, सेक्रेटरी का नाम मोहित ही है, इसने कहा कि जब उसने उसको बुला के पूछा गया, इसने कहा कि वो 11 बजे आया था तो ये 10 बजे तो चला गया था। तो फिर समझ रहे हो भैया, ये चोर। मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भैया झापड़ लगा के दो। राज तो 10 बजे ही निकल गया था और नकली साइंटिस्ट 11 बजे आया, तो मिस्टर राज को कैसे पता चला कि नकली साइंटिस्ट हकलाकर बोल रहा था? यानी राज उस नकली साइंटिस्ट से मिला हुआ है और उसी ने पाइप चुराने में मदद की। मेहुल उसे पकड़ लेता है। राज बताता है कि उसे पैसे मिले थे हेल्प करने के लिए, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता है। मेहुल फिर भूल भुलैये साइंटिस्ट को बस स्टॉप वाली चोरी की सारी बात बताता है। तो साइंटिस्ट कहता है, ये तो बहुत गलत हुआ, जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ना होगा। साइंटिस्ट फिर मेहुल को एक दवाई देता है और कहता है, ये दवाई खाने से उस केमिकल का असर नहीं होगा। मेहुल साइंटिस्ट से दवाई लेता है और पैटर्न के हिसाब से अगले बस स्टॉप पे पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि एक आदमी स्मोकिंग कर रहा है, उसके पास वैसा ही पाइप है। मेहुल वो दवाई खा लेता है और उस आदमी के पास पहुंच जाता है। आदमी के पास 2-3 लोग और खड़े थे। मेहुल इंतजार कर रहा था कि केमिकल के वजह से 2-3 लोग गिरे और मेहुल फिर उस चोर को पकड़ ले। काफी टाइम हो जाता है, वो आदमी सिगरेट पीना भी बंद कर देता है लेकिन कोई नहीं गिरता। क्या आप बता सकते हैं ये सही आदमी है या गलत? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सबसे कोई नहीं गिर रहा। अरे ये तो गलत आदमी है, यहाँ तो कोई रेड कैप वाला नहीं है। मतलब वो रेड कैप वाला आदमी थोड़ा दूर रहता है और देखता है कि सब बेहोश हो जाए और फिर चोरी होती है, और यही इन दोनों के बीच में कनेक्शन है। मुझे असली चोर को जल्दी पकड़ना होगा। तभी मेहुल को सामने से रेड कैप वाला आदमी बस स्टॉप पे आते हुए दिखता है। वो बस स्टॉप के एक कॉर्नर में जाके खड़ा हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक आदमी सिगरेट पीता हुआ बस स्टॉप के पास आता है और बीच में जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में केमिकल की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। आसपास के सारे लोग उसके पास आ जाते हैं, मेहुल भी उसके पास चला जाता है। सारे लोग केमिकल की वजह से बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। मेहुल भी बेहोश होने का नाटक करता है और वहीं गिर जाता है। फिर रेड कैप वाला आदमी आता है और चोरी करना शुरू कर देता है, लेकिन मेहुल तुरंत उठता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स, फिर चोर को पकड़ लिया। कुछ भी। मैं रॉक्स, मैं। जवाब किसने दिया? डिटेक्टिव मेहुल या मैं दिया? कुछ नहीं। डिटेक्टिव मेहुल के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अगली पहली देखते हैं। तो आज के लिए बस इतनी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक। और चैनल में नए हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब। कब कब पहुंचेंगे हम लोग इतने तक? पहुंचा दो यार। और तो मिलते हैं हम लोगों की और नई वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है? बाय बाय।